Let's take you back to 1997, the beautiful era for Bollywood, where Shah Rukh Khan was on the verge to become the king of Bollywood with Dil To Pagal Hai, and of course, Pardes, where J.P. Dutta's border made us all feel like a true Indian. At the same time, Govinda made us dance to the tunes of the film Hero Number 1. And how can we forget Aamir Khan in Ishq? But there was one film which people failed to notice. Abey dhille naade, dekha na mera naada kitna tight hai. Rukka teri dushmani mere se thi. Tune mere behan ko kai ko mara re? Kai ko mara? Tu apni behan ko dikha ke police aur leader ka support lene wala tha. अपनी बहन की जवानी को बेचकर मुझसे गैंग वॉर करा के अपने आप को अंडरवर्ल्ड का डॉन बनाने की कोशिश में था तो क्या गलत कर रहा था मैं? What is up people of the internet? Welcome back to another episode of Filmi Baatein with Pravit. आज के इस एपिसोड पे हम बात करने वाले हैं द 1997 फिल्म लोहा. लोहा डायरेक्टेड बाय कांति शाह. दैट्स राइट, कांति शाह, जिन्होंने एक लेजेंडरी कल्ट क्लासिक मूवी बनाई थी गुंडा. अगर आप नहीं जानते कि गुंडा क्या है और गुंडा मूवी के डायलॉग्स क्या है, हियर आर अ फ्यू एग्जांपल्स. रखता हूं खुल्ला, मेरा नाम है चुटिया, अच्छो अच्छो की खड़ी करता हूं मैं खटिया. मेरा नाम है इबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप मेरा शैतान का चेला, खाएगा केला. और ऐसा भी नहीं कि इस पिक्चर में या कि लोहा में ऐसे डायलॉग्स नहीं है, है लाइक 100% है. वह क्या, अरे कौवे ने चील का चुम्मा लिया और चील ने चूहे का बच्चा पैदा किया, क्या किसके लिए क्या? ए लुका भाई, बोले तो अपन इसको नीचे से छेद छोटा कर डाले क्या? Firstly, a lot of people criticize Bollywood for copying songs or taking inspiration songs या originality नहीं है Bollywood में. आज मैं एक बात क्लियर कर लूंगा. ओके, सुन लो ओए Star Wars fans, जो तुम्हारा थीम है ना, जॉन विलियम्स ने जो बनाया ओरिजिनल थीम, ये वाला This is actually copied from this movie. ये movie का जो introduction है, you know इस movie का plus point क्या है? इस movie में जो characters के नाम है, mind blowing है. Like कहाँ तुम्हारा Tony Stark, कहाँ तुम्हारा Bruce Wayne, कहाँ तुम्हारा Kent, क्या नाम है, क्लार्क केंट, नाम भी याद नहीं है मेरे को, ठीक है, बट इस मूवी के कैरेक्टर्स के नाम 100% याद रहेंगे तुम्हें. ए लुक्का, सामने आओ तांड्या, तांड्या भाई, आओ तांड्या, तांड्या भाई. तांड्या है ना, तांड्या आके कह के गया पूरा बस्ती पे उसका राज है, अब लुक्का का भाई टकला आएगा और टकला आके पूरा कर देगा इधर धमाल, बहुत खतरनाक शूटर है. अच्छा, बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, इस मूवी में दो कैमियो हैं, दो जन के कैमियो हैं, वन इज गोविंदा एंड अदर वन इज मनीषा कोरेला. बेसिकली इन्होंने ये फिल्म में सिर्फ ये किया है. मनीषा, गोविंदा, मनीषा, 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 हां तेरे साथ झगड़ा करेगी. अरे माँ झगड़ा करेगी तो क्या हुआ, बेटी तो मेरे साथ है और इसकी बहन तो मेरी सहेली है और इसका भाई वो तो मेरा चेला है. चलो मेरी जान, चल कर लगाए प्यार की दुकान. Another interesting fact about this cameo appearance is, गोविंदा का जो आवाज है, that's not given by गोविंदा. खनकता सिक्का हूँ, अबे जिसके सामने पौधों का धंधा हो गया है मंदा, ऐसा हूँ मैं जिसका नाम है गोविंदा. अबे, I think मेरे हिसाब से, मेरा ये theory, ठीक है, मेरे हिसाब से it was at this point of time जब इसका ये movie का dubbing चलता होगा ना,
तभी जेम्स कैमरन गया होगा गोविंदा के पास अवतार का स्क्रिप्ट लेकर। अवतार, अवतार टाइटल मैंने ही दिया था। सो इस फिल्म के दौरान आई कमिटेड अ क्राइम, या एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, एंड आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज टू दैट पर्सन। आई वॉज वॉचिंग दिस सॉन्ग, ओके, वेयर इन मिथुन चक्रवर्ती की गर्लफ्रेंड इज ट्राइंग टू सेड्यूस हिम और ट्राइंग टू मनाफाई हिम थ्रू अ सॉन्ग। And I was enjoying it, okay? And I was like, hi, this girl looks very pretty, etc., etc. And I was dancing to this song. यहाँ तक सब कुछ ठीक था, but then this happened. राजमाता, दिस फिल्म विल शो यू व्हाई धर्मपाल जी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन अलाइव। Guys, if you thought the fastest man alive is the Flash, you're wrong. Okay, Barry Allen, you also have to stop copying our Dharampal ji. तेरे को ढूंढ निकला है, तेरा इस दुनिया से कनेक्शन कट। ये गोली लोहे के शरीर के पार नहीं जा सकती। अब आप लोग ये सोचते होंगे कि इतना स्ट्रॉन्ग बनने के लिए धर्मपाजी क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे, मतलब कुछ टॉक्सिक वॉक्सिक कुछ नहीं खाते पीते होंगे। ही मस्ट बी ड्रिंकिंग सोप, समथिंग वेरी प्योर एंड सबसे शुद्ध। स्केट देता है सबसे शुद्ध पानी। दिस फिल्म लाइक आर प्रीवियस फिल्म gives us important and valuable life lessons. Lesson number one, अगर आप लोग conversation में चाहते हो कि आप comebacks दे, ऐसे snap back करें, then my friends, this is a film you should watch. जब picture का climax होगा, अपन तेरी चिता इधर ही चलाएगा। Climax? टकले, तेरे घर में calendar है? 97 वॉर से देख ले, क्योंकि 98 तो देख नहीं पाएगा। लेसन नंबर टू, अगर आप लोग को सीखना है कि हाउ नॉट टू ऑब्जेक्टिफाई अ वुमन, देन माय फ्रेंड्स दिस इज अ फिल्म यू शुड वॉच। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे पेड़ा है। अबे ओ कड़वे करेले, तेरी बहन मरने के बाद तेरी हालत उस एड्स लगी लंडी की तरह हो गई है जिसके पास कभी कोई ग्राहक नहीं जाता। दिस फिल्म इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, अगर आप लोग को देखना है और सीखना है कि एक फिल्म कैसे बनाता है, एक फिल्म कैसे लिखा जाता है, डायलॉग्स कैसे लिखे जाते हैं, देन दिस इज द फिल्म टू वॉच। या इट्स इजिली बिकम वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म। पहना से दोस्ती, अच्छा। तेरी अम्मा से झगड़े, अच्छा। तेरा भाई मेरा चेला। तुमको क्या लगता है, किसी बॉलीवुड वाले छापते हैं? गलत। तुम स्टार्स और